बोर्ड मेंबर अली मोहम्मद चौधरी रिप्रेजेंटिंग फुटबॉल, ये है बोर्ड मेंबर पंजाब सिंह फ्रॉम डेयरी फार्म, ये हमारी सुशांत जी बोर्ड मेंबर हैं सर, ये डॉक्टर जेल शर्मा एक्स डायरेक्टर पार्टी करके से बोर्ड मेंबर सर, ये डॉक्टर भारती है ये डॉक्टर रिप्रेजेंटिंग फुटबॉल से बोर्ड जी भी एक्स डायरेक्टर, ये हमारी बलवीर कौर जी श्री विकास शर्मा जी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग एंड प्लानिंग, श्री राम सेवक जी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, श्री अरुण मनास जी डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर एग्रो इंडस्ट्रीज, डीन एनिमल साइंसेस सकास्ट जम्मू, एचओडी सीएचओस, टू दिस एट दिस ओकेजन आई आल्सो एक्सटेंड माय वार्म वेलकम टू द रिस्पेक्टेड बोर्ड मेंबर्स ऑफ द किसान बोर्ड who have spared their valuable time to grace this occasion. Last what not जो किसानों को दिक्कत है उसको किस तरह से हल करने की कोशिश करेंगे? आज का जो प्रोग्राम था इसके बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव्स, एक सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि किसान बोर्ड के मेंबर्स को बुलाया जम्मू से ताल्लुक रखते हैं तो उनकी बात सुन रहे हैं कि जैसे कि आपको मालूम है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है एथिक्स कमेटी डॉक्टर मंगला राय जी की चेयरमैनशिप में जो कि काम कर रही है इस बारी कि एग्रीकल्चर में क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, एग्रीकल्चर पॉलिसी के ऊपर काम कर रही है, किस डायरेक्शन में हमको जाना चाहिए, क्या क्या कदम उठाने चाहिए, उस पर काम कर रही है तो उसके बारे में कुछ सुझाव देना, और दूसरा इनके क्या ग्रीवेंसेस अभी हैं जिनको हम एड्रेस कर सकते हैं हमारी कमेटी के रिपोर्ट के ज़रिए, एक तो ये था, और दूसरा ज़्यादा हमने डेयरी फार्मर्स को बुलाया था क्योंकि यहाँ लंपी स्किन डिजीज़ की जो प्रॉब्लम है तो उनकी बात भी सुने और जो हम हमसे बन पाएगा इसको लंपी स्किन डिजीज़ को और कंट्रोल करने में, काफ़ी हद तक तो कंट्रोल हो चुकी है लेकिन और इसको कंट्रोल करने में ताकि किसानों में नुकसान ना हो तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाने की ज़रूरत है उसके बारे में बात करने के लिए आज ये मीटिंग करेंगे। तो जिस तरह से कमियाँ जो है वो आज यहाँ पे बताई जा रही हैं, किसानों की बात करें या डेयरी फार्मर की बात करें, जिस तरह से एक लेडी को जो है वो बोर्ड की तरफ जाए उन्हें अपनी परेशानी जो बताई उनको किस तरह से देखते हैं? नहीं बिल्कुल, प्रॉब्लम्स तो हैं किसानों की, बड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं बॉर्डर एरियाज में, जैसे वो कह रही थी कि उनका वो इरीगेशन कनाल है उसमें फायरिंग होती रहती है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें काम करने की दिक्कत आती है, इनके बिजली के मसले थे, इरीगेशन के मसले थे, इसी तरह से अब डेयरी में भी जो है लंपी स्किन डिजीज़ आई इसकी वजह से नुकसान हुआ, कैटल इंश्योरेंस की बात हुई, कई तरह के सुझाव उठे हैं, कुछ पॉलिसी डिसीजन है और कुछ चीज़ें तो हम जल्दी हल कर सकते हैं उनको हल करेंगे, और जो पॉलिसी डिसीजन है जहाँ पर गवर्नमेंट को कोई फैसला लेने की जरूरत है उसको भी जिस तरह से जीएसटी की बात करें दूध दही पे पनीर में जिस तरह की चीज़ें डेयरी फार्म ने ये कहा कि हमें अब वो चीज़ें सर्वाइव नहीं हो रही तो हमें जो पीछे से रेट बढ़ता है सरकार की तरफ से तो हमें भी अपने रेट जो है वो बढ़ाने पड़ते हैं, क्या उसके जीएसटी में इसमें कहीं कमी आएंगी किस साइड में जिस तरह से जीएसटी को लेकर? जीएसटी के बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा, ये इसके लिए जीएसटी काउंसिल होती है जिसमें कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और सारे स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं मेंबर होते हैं उस पर फैसला होता है, उसके बारे में मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ज़्यादा नहीं।